गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही की मौत हुई है। पुलिस ने फंदे से लटके शव को बरामद किया है। पत्नी से विवाद में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक सिपाही धर्मेंद्र सिंह बिगुलर के पद पर तैनात था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में आज सुबह प्रातः 11 बजे सूचना मिली कि एक धर्मेंद्र नाम का बिगुलर जिसने सुसाइड कर लिया है, उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें पत्नी से झगड़े के होने की बात प्रकाश में आई है। इसका फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है। फोरेंसिक टीम द्वारा पूरी चीजों को स्टडी किया जा रहा है, उसके बाद विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। सर, ये कहाँ का रहने वाला था? ये बलिया के रहने वाले हैं। 40 साल इनकी उम्र है और इनके बच्चे हैं जिनको सुबह स्कूल छोड़ने गए थे, उसके बाद में उन्होंने ये सुसाइड का स्टेप लिया। सुसाइड का कारण उन्होंने अपनी पत्नी से झगड़ा होने की बात है जो अपने सुसाइड नोट में बताया। थैंक यू।